वह जो सत्य है, वह जो शिव है, वे भी सुंदर है। भगवान शिव महाकाल है, वे काल से परे है, इसलिए वे सृष्टि की सारी पावनता का स्रोत भी है। उनकी भक्ति मनुष्य को पाप के सभी अनुभवों से मुक्त करने वाली है, परंतु यदि मनुष्य उनकी साधना समर्पण के भाव से न कर अहंकार से करता है, तब उसे साधना का सुफल तो मिलता है, परंतु उसका यही अहंकार उसे कर्मों के कर्ता होने के अभिमान से भर देता है। भगवान शिव का एक ऐसा ही साधक था रावण। रावण को भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। स्वर्ण की अभेद्य नगरी लंका, पराक्रम संग्रामी, अपार बल और समृद्धि, परंतु 10 बार अपना शीश प्रभु के चरणों में अर्पित करने वाला महाज्ञानी रावण भी अपने अहंकार को श्री महाकाल के चरणों में अर्पित न कर सका। एक बार रावण ने सोचा कि वह अपने बल से तीनों लोगों को हिला सकता है, तो फिर कैलाश पर्वत क्यों नहीं उठा सकता। तो वह अपने आराध्य देव को कैलाश सहित उठाकर क्यों न लंका ही ले आए। अपने बल के दर्द से डसा हुआ रावण यह भूल गया कि भगवान शिव त्रिलोकी के स्वामी हैं, उन पर सबका अधिकार है, और रावण अपने पराक्रम और बल के मद में उन्मत्त हो कैलाश सहित भगवान शिव को ही उठाने चल पड़ा। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत उठाया, शिव जी की समाधि करने के लिए केवल अपने पैर का अंगूठा नीचे रखा, और तब शिवाय शिवाय
Thank you.